Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. राना सनाउल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे किसी बात का पाबंद किया, साल कबल मुल्ज़िम इमरान की वालिदा हमारे घर क्या करती थी, ज़ैनब के वालिद हाजी अमीन के इंकशाफात। दरिंदगी का शिकार होने वाली मासूम ज़ैनब के वालिद हाजी अमीन ने कहा कि 3 साल पहले मुल्ज़िम इमरान की वालिदा हमारे घर मुलाजमा थी, पुलिस अगर शुरू में तआवुन करती तो ज़ैनब मिल सकती थी। ज़ैनब के साथ जो जुल्म हुआ इस पर मुल्ज़िम के घर वाले भी शरीक हैं। इस कर्ब में हमने कई दिन गुजारे, हुक्मरान 2.5 घंटे भी नहीं गुजार सकते। गुज़श्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाजी अमीन अंसारी ने कहा कि मुल्ज़िम इमरान के इस मकरूह फ़ैल से इसकी वालदा और दूसरे घर वाले भी आगाह थे, लेकिन पुलिस ने शुरू में हमसे तआवुन नहीं किया जिसकी वजह से ज़ैनब की जान चली गई। हाजी अमीन ने कहा कि मुल्ज़िम ने पहली बार पकड़े जाने पर हार्ट अटैक का ड्रामा किया तो पुलिस डर गई थी और छोड़ दिया। मुल्ज़िम ने दोबारा पुलिस को चकमा दिया और अपना DNA नहीं होने दिया। हाजी अमीन ने कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आला पंजाब को कुछ मुतालबात पेश किए थे, इनमें से एक मुतालबा मुल्ज़िम इमरान से मुलाकात का था, लेकिन उन्होंने नहीं माना और हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मैं अपने मुतालबात बताना चाहता था। हाजी अमीन ने कहा कि मुल्ज़िम की निशानदेही भी हमने की और उसको पकड़वाया भी हमने ही था। हाजी अमीन का कहना था कि राना सनाउल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे पाबंद किया कि आप सिर्फ मुल्ज़िम की सरेआम सजा का मुतालबा करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे।